नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में कामायनी महाकाव्य की संपूर्ण व्याख्या को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई, परंतु इसका प्राणायन प्रायः 7-8 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। चिंता से प्रारंभ कर आनंद तक 15 सर्गों के इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अंत तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। कला की दृष्टि से कामायनी छायावादी काव्य कला का सर्वोत्तम प्रतीक माना जा सकता है। चित्तवृत्तियों का कथानक के पात्र के रूप में अवतरण इस काव्य की अन्यतम विशेषता है और इस दृष्टि से लज्जा, सौंदर्य, श्रद्धा और ईरा का मानव रूप में अवतरण हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कामायनी प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। साथ ही इस पर अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन का भी प्रभाव यंत्र मिल जाता है। कहीं कहीं अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन का भी प्रभाव मिल जाता है। प्रसाद ने इस काव्य के प्रधान पात्र मनु और कामपुत्री कामायनी श्रद्धा को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में माना है। साथ ही जल प्लावन की घटना को भी एक ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार किया है। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय से जल प्लावन संबंधी उल्लेखों का संकलन कर प्रसाद ने इस काव्य का कथानक निर्मित किया है। साथ ही उपनिषद और पुराणों में मनु और श्रद्धा का जो रूपक दिया गया है, उन्होंने उसे भी स्वीकार नहीं किया, वरना कथानक को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जिसमें मनु, श्रद्धा और इरा के फल स्वरूप रूपक की भी संगति भली भांति बैठ जाए। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि इन चरित्रों के रूपक का निर्वाह ही अधिक सुंदर और सुसंयम रूप में हुआ। ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में वे पूर्णतः एकांगी और व्यक्तित्वहीन हो गए हैं। मनु मन के समान ही अस्थिरमति है। पहले श्रद्धा की प्रेरणा से वे तपस्वी जीवन त्याग कर प्रेम और प्रणय का मार्ग ग्रहण करते हैं। फिर असुर पुरोहित आकुली और किलात के बहलावे में आकर हिंसा वृत्ति और स्वेच्छाचरण के वशीभूत हो श्रद्धा का सुख साधन निवास छोड़ झंझा समीर की भांति भटकते हुए सारस्वत प्रदेश में पहुंचते हैं। श्रद्धा के प्रति मनु के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध काम का अभिशाप सुन हताश हो किम कर्तव्य मुमुढ़ हो जाते हैं और ईरा के संसर्ग से बुद्धि की शरण में जा भौतिक विकास का मार्ग अपनाते हैं। वहाँ भी संयम के अभाव के कारण ईरा पर अत्याचार कर बैठते हैं और प्रजा से उनका संघर्ष होता है। इस संघर्ष में पराजित और प्रकृति के रुद्र प्रकोप से विक्षुब्ध मनु जीवन से विरक्त हो पलायन कर जाते हैं और अंत में श्रद्धा के पथ प्रदर्शन में उनका अनुसरण करते हुए आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्रद्धा अस्तिव्यक्त भाव तथा ईरा बौद्धिक क्षमता का मनु के मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसका सुंदर विश्लेषण इस काव्य में मिलता है। कामायनी में 15 सर्ग अध्यायों का महाकाव्य है। ये सर्ग निम्नलिखित है। अब हम देख लेते हैं कामायनी में 15 सर्ग कौन कौन से हैं। चिंता, प्रतिभिज्ञा,
प्रथम सर्ग है, दूसरा सर्ग आशा, तीसरा सर्ग श्रद्धा, चौथा सर्ग काम, पांचवा सर्ग वासना, छठा सर्ग लज्जा, सातवां कर्म, आठवां सर्ग ईर्ष्या, नौवां सर्ग ईरा तर्क बुद्धि, दसवां सर्ग स्वप्न, ग्यारहवां संघर्ष, बारहवां निर्विद त्याग, तेरहवां दर्शन, चौदहवां रहस्य, पंद्रहवां आनंद। चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। पहला सर्ग में, दूसरा में कर्म के ईर्ष्या से ईरा ने स्वप्न में संघर्ष किया। इस प्रकार से पंद्रहों सर्ग के अलग से मैं एक एक वीडियो आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।